हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिया और आज मैं आपके सामने बेहद यूनिक मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक फैट मैन और उसके परिवार को देखते हैं जो कि पिकनिक करने हेतु बाहर आए हुए थे। फैट मैन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मजे कर रहा था कि तभी अचानक से उसकी पत्नी देखती है आसमान की ओर उसका रुमाल खुद ब खुद उड़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे उनके आसपास की सारी चीजें आसमान की ओर उड़ते जा रही थी। साथ ही फैट मैन की पत्नी और उसका बेटा कॉन्स्टेंटिन भी आसमान की ओर उड़ता जा रहा था। लेकिन आश्चर्य कर देने वाली विषय ये है कि फैट मैन को छोड़कर सभी ऊपर की ओर उड़ रहे थे। इस कारण से वो अपने बेटे कॉन्स्टेंटिन का हाथ पकड़ा हुआ था और कॉन्स्टेंटिन अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटिन की माँ समझ गई थी कि इस तरह से दोनों को पकड़कर आसमान की ओर उड़ने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। तो ये सोचते हुए वो अपना हाथ छुड़वा लेती है। अब फैट मैन अपने बेटे को गले लगाकर अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने से हमेशा के लिए आसमान में चले जाते हुए देखता है। लेकिन वो ये सब कुछ अपने आंखों के सामने घटते हुए देखकर भी कुछ ना कर सका और तभी वो अपनी आंखें खोलता है। हालांकि दोस्तों वो एक सपना देख रहा था, लेकिन ये कई साल पहले उसकी जिंदगी में घटित कहानी है जिसे वो अपने सपने में देख रहा था। असल में अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट के चलते चांद की दिशा और उसके आकार में परिवर्तन होने के कारण धरती में मौजूद जीव और वस्तुएं जिसका वजन 120 किलो से कम है वो सभी ग्रेविटी छोड़कर अंतरिक्ष में चले जाएंगे। जो भी जीव अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं वे सभी इवेंचुअली मारे जाते हैं। इस दौरान हम चांद को देखते हैं जिसके आकार में कई बदलाव थे जो कि साधारण रूप से चांद पर नहीं होते हैं। अब हम फैट मैन को अपने बेटे के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, साथ ही आसपास की चीजों को खेल की मदद से दीवार से जोड़ कर रखा गया था जिससे कि वो चीजें आसमान की ओर ना उड़ सके। दोस्तों इस दौरान हम उनके घर में ग्रेविटी मीटर भी देखते हैं जिसके मदद से घर की कोई भी चीजें अंतरिक्ष में नहीं जा सकेंगी। यानी कि दोस्तों इस ग्रेविटी मीटर की मदद से घर के ग्रेविटी को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अब अचानक ग्रेविटी मीटर में कुछ खराबी हो जाती है जिसके कारण कॉन्स्टेंटिन और घर की कई चीजें ऊपर की ओर उड़ने लगती है, लेकिन घर के छत से लटक कर सभी अटक जाते हैं। कॉन्स्टेंटिन के पिता ग्रेविटी मीटर को दोबारा से चालू करते हैं और सभी वस्तुएं साथ ही कॉन्स्टेंटिन भी वापस से नीचे गिर जाता है। दोस्तों बचपन से ही कॉन्स्टेंटिन का वजन 120 किलो से कम है जिस कारणवश शायद वो कभी भी अंतरिक्ष में चला जाएगा। हालांकि उसके वजन की वजह से उसे हमेशा चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता था, वो भी ग्रेविटी मीटर के अंतर्गत। कॉन्स्टेंटिन इसी कारण से आज तक कभी बाहरी दुनिया से नहीं मिला था और ना तो उसके पिता उसे बाहर जाने देते थे। इनफैक्ट वो आखिरी बार बाहर बचपन में पिकनिक मनाने हेतु गया था जो कि हमने मूवी के प्रथम सीन में देखा ही था। इसके बाद कॉन्स्टेंटिन के पिता अपना वजन माप कर देखते हैं, तो उनका वजन 120 किलो से थोड़ा सा ही ज्यादा था। तो ये देखकर वो तो घबरा जाते हैं क्योंकि उनका वजन अगर 120 किलो के कम हो जाता है तो वो अपने बेटे की तरह बाहर नहीं जा पाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो वो अंतरिक्ष की ओर उड़ जाएंगे और उनके जीवन और उनके घर चलाने में काफी दिक्कत आने लगेगी। अब इसी कारणवश वे अब से जब भी बाहर जाया करते थे तब वो अपने बैग में कुछ भारी लोहे के बॉल्स भरकर साथ लेकर जाते थे जिससे कि अगर इत्तेफाक से भी उनका वजन 120 किलो से कम हो जाए तो उन बॉल्स की वजह से वो आकाश की ओर नहीं उड़ेंगे। मीनवाइल हम कॉन्स्टेंटिन को देखते हैं जो एक दूरबीन का इस्तेमाल कर
बाहर की दुनिया को देख रहा था। कॉन्स्टेंटिन हर दिन की तरह आज भी बाहर देख रहा था। पहले वो एक सैनिक को देखता है जिसके हाथ में उसका बैग आकाश की ओर उड़ रहा था। फिर वो अपने पिता को देखता है जो नीचे दो महिलाओं के साथ बात कर रहे थे, और ये दो महिलाएं अपने डॉग्स को सैर कराने लाई थी, लेकिन इन डॉग्स का वजन कम होने के कारण दोनों डॉग्स जमीन की सैर करने के बजाय आसमान की सैर कर रहे थे। और साथ ही कॉन्स्टेंटिन एक महिला को भी देखता है जो कि अपने पति के ऊपर गुस्से में कई चीजें फेंक रही थी, लेकिन वो चीजें नीचे गिरने के बजाय वापस उसी की ओर आ रही थी। इसी दौरान नीचे मौजूद एक महिला कहती है कि कॉन्स्टेंटिन के पिता उसके साथ ठीक नहीं करते, उसे हर समय घर में बंदी बनाकर। उसके पिता उसे बाहर तो ला ही सकते हैं, जैसे हम हमारे डॉग्स को सैर कराने हेतु बाहर लाते हैं। लेकिन उनके ऐसा कहते ही दोनों डॉग्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, यानी कि दोनों डॉग्स इस तरह से सैर कर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब कॉन्स्टेंटिन बाहर की दुनिया को महसूस करना चाहता था, तो वो एक सेटअप बनाता है जिससे कि वो समुद्र किनारों को महसूस कर सके। अब कुछ समय बाद वो एक हॉर्न की आवाज सुनकर बाहर देखने जाता है, और तभी वो एक सुंदर लड़की को देखता है। वो लड़की उसे देखकर हाय कहती है, लेकिन कॉन्स्टेंटिन उसे देखकर छिप जाता है। असल में बचपन से ही चार दीवारी में बंद रहकर उसे पता ही नहीं था कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। साथ ही उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी लड़की ने उसे हाय किया है। इनफैक्ट वो खुद भी बेहद शर्मीला था। इसी कारणवश कहीं ना कहीं वो अपने जिंदगी में आई पहली लड़की के साथ सही तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर सका। यहाँ तक कि वो एक बोर्ड पर हेलो लिखता है, लेकिन फिर भी वो उसे वो नहीं दिखा पाता। अब उसके पिता घर आते हैं तो कॉन्स्टेंटिन उन्हें खाना सर्व करता है। उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, जो एप्रन तुमने पहना है वो लड़कियों का है, ना कि लड़कों का। तो कॉन्स्टेंटिन उन्हें कहता है कि ये यूनिसेक्सुअल एप्रन है, यानी कि इसे लड़के और लड़कियां दोनों पहन सकते हैं। लेकिन ये सुनकर उसके पिता उसे कहते हैं कि ये एप्रन तुम्हारी माँ का है, तो तुम इसे जहाँ से लाए थे वहाँ वापस रख कर आओ। कॉन्स्टेंटिन फिलहाल बात आगे ना बढ़ाते हुए वो एप्रन वापस अपनी जगह पर रख कर आता है। अब डिनर खत्म होते ही कॉन्स्टेंटिन के पिता फिर से अपना वजन मापते हैं, लेकिन उनका वजन 120 किलो के करीब करीब था। ये देखकर वो गुस्से से सोने चले जाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंटिन कुछ अडल्ट मैगजीन लेकर अपनी दुनिया में खोया हुआ था। साथ ही वो उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। इस दौरान अचानक से उसके हाथ से मैगजीन गिर जाता है, तो वो जैसे ही उसे उठाने जाता है तभी मैगजीन के एक पन्ने पर वो एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जहां लिखा हुआ था, गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे, यानी कि स्वस्थ तरीके से अपना वजन प्राप्त करे। इसे देख कॉन्स्टेंटिन काफी बर्गर्स मंगवा कर खाने लगता है, और इसके बाद वो जब अपना वजन मापता है तब उसका वजन बढ़कर 60 किलो हो गया था। ये देखकर तो वो काफी खुश होने लगता है। अब अगले दिन वो लड़की वहाँ वापस से आती है। कॉन्स्टेंटिन उसे देखकर अपना नाम एक बोर्ड पर लिखकर उसे दिखाता है, और साथ ही ये देखकर वो लड़की उसे हेलो कहती है। कॉन्स्टेंटिन ये देखकर और ज्यादा प्रोत्साहित हो जाता है, और फिर से वो काफी सारे बर्गर्स मंगवाता है, लेकिन इतने सारे बर्गर्स खाना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वो उस लड़की को अपने जहन में रख कर सारे बर्गर्स खा लेता है। इसके कारण कॉन्स्टेंटिन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसके बाद कॉन्स्टेंटिन अपना वजन माप कर देखता है कि उसका वजन और ज्यादा कम हो चुका है। इससे वो बेहद निराश हो जाता है। अब अगले दिन वो लड़की वापस से वहां आती है, लेकिन वो इस बार कॉन्स्टेंटिन को अपने खिड़की पर नहीं देखती। कॉन्स्टेंटिन अब अपने फ्रस्ट्रेशन में जाकर एक फ्रिज को अपने साथ बांध लेता है,
जिससे कि वो इस तरह से बाहर जा सके। लेकिन उसके पिता वहां पहुंचकर फ्रिज को घर के अंदर ले जाते हैं। साथ ही वो घर में मौजूद सभी भारी चीजों को एक कमरे में बंद करके रखते हैं, जिससे कि कॉन्स्टेंटिन दोबारा ऐसा ना कर सके। अब रात को कॉन्स्टेंटिन के पिता उसके कमरे में जाकर देखते हैं कि वो अपने फ्रस्ट्रेशन के चलते अपने कमरे की काफी चीजों को तोड़ मरोड़ कर इधर उधर फेंक कर रखा है। ये देखकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं और फिर वो एक जोड़ी जूते लेकर उस पर कुछ काम करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के अंदर ही उनकी आंख लग जाती है और वो अपने सपने में देखते हैं कि कॉन्स्टेंटिन अपने पिता का हाथ छोड़कर बाहर उड़ना चाहता है। ये देखकर उनकी आंखें खुल जाती है। फिर वो सीलिंग में अपने पत्नी की तस्वीर लटकते हुए देखते हैं। असल में ग्रेविटी मीटर का फ्यूज खराब हो गया था। हालांकि ग्रेविटी मीटर खराब था, लेकिन जिस जूते पर उन्होंने काम किया था रात भर, वो अभी भी अपनी जगह पर था, वो नहीं उड़ रहा था। ये देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह कॉन्स्टेंटिन के पिता उसे वो जूते देकर उसे पहनने को कहते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटिन कहता है ये तो लड़कियों के जूते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि इसे महिलाएं एवं पुरुष दोनों पहन सकते हैं। और दोस्तों, ये जूते असल में उसकी माँ के थे। उसके पिता अब उसे बाहर जाने को कहते हैं और उसके बैग में कई वेट बॉल्स रख देते हैं और फिर वो उन जूतों को पहनाकर उसे बाहर भेज देते हैं। वो अब बाहर जाकर बेहद आनंद से बाहर की हवा महसूस करने लगता है और इसी समय उसे बालकनी से देख रही थी वो लड़की जिसे कॉन्स्टेंटिन चाहने लगा था। लेकिन अचानक से कॉन्स्टेंटिन अपने जूतों के स्विच बंद कर देता है और अपने बैग में रखे वेट बॉल्स और तकियों को भी वो फेंक देता है, जिससे कि वो धीरे धीरे अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगता है। ये देखकर उसके पिता उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर उड़ने लगता है और तभी वो महसूस करता है कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्टेंटिन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने वो अपने सपनों की मलिका को देखता है, जिसके कारण वो बाहरी दुनिया को महसूस करने हेतु उतावला हो रहा था। ये देखकर कॉन्स्टेंटिन के पिता हंसते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखते हुए आंख मारते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन, गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे। ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।